नमस्कार साथियों, वेलकम टू पीके फार्म क्लासेज यूट्यूब चैनल। मैं पुष्पेंद्र गुजर लादिया, फार्मासिस्ट, आप सभी का पीके फार्म क्लासेज यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फार्मासिस्ट एमसीक्यू, जो कि आने वाली हर एक एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो जीपैट हो, नाइपर हो, ड्रग इंस्पेक्टर हो या फिर फार्मासिस्ट के एग्जाम हो। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें और जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में हमने इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर एंड टेलीग्राम के लिंक दे रखे हैं, वहाँ आप हमें ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे आपको टाइम टू टाइम इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। इसके अलावा अगर आपको किसी भी तरीके की वैकेंसी संबंधी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो पीके वैकेंसी हब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए बिना देरी स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 है, गवर्नमेंट ओपियम फैक्ट्री सिचुएटेड एट। तो गवर्नमेंट ओपियम फैक्ट्री कहाँ पर स्थित है वो आपको यहाँ पे बताना है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा वो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बता सकते हो। ऑप्शन ए न्यू दिल्ली, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी गाजीपुर एंड ऑप्शन डी लखनऊ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गाजीपुर। इसके अलावा नीमच एमपी के अंदर भी गवर्नमेंट ओपियम फैक्ट्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, सिलास्टिन इज गिवन विथ। तो सिलास्टिन किसके साथ में दिया जाता है? ऑप्शन ए अमोक्सिसिलिन, ऑप्शन बी इमिपेनम, ऑप्शन सी एजिट्रोनम एंड ऑप्शन डी मेरोपेनम। तो ये सारी एंटीबायोटिक हैं, तो सिलास्टिन किसके साथ में दिया जाता है वो आपके यहाँ पे बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इमिपेनम। इमिपेनम के साथ में सिलास्टिन दिया जाता है। इसके अलावा अमोक्सिसिलिन को क्लोनिक एसिड के साथ में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, नार्कोटिक एंड साइकोट्रॉपिक एक्ट इज पास्ड। तो नार्कोटिक एंड साइकोट्रॉपिक जो एक्ट है वो कब पास हुआ था? ऑप्शन ए 1948, ऑप्शन बी 1985, ऑप्शन सी 1949 एंड ऑप्शन डी 1857। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1985। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, सोडियम बाइकार्बोनेट इन्फ्यूजन इज गिवन इन पॉइजनिंग। तो सोडियम बाइकार्बोनेट इन्फ्यूजन कौन सी पॉइजनिंग के अंदर दिया जाता है? ऑप्शन ए एस्पिरिन की पॉइजनिंग में, ऑप्शन बी डाइजेपम, ऑप्शन सी फ्लुमाजेनिल एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एस्पिरिन। वहीं बात करें फ्लुमाजेनिल की, तो फ्लुमाजेनिल सेडेटिव का एंटीडोट है। जो सेडेटिव ड्रग होती है उनका एंटीडोट के तौर पर हम कौन सी ड्रग यूज करते हैं? फ्लुमाजेनिल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ दीज इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया। तो मलेरिया के लिए इन चार ऑप्शन में से कौन सी ड्रग हम यूज करते हैं वो आपके यहाँ पे बताना है। ऑप्शन ए एजिथ्रोमाइसिन, ऑप्शन बी मेफ्लोक्विन, ऑप्शन सी मेथोट्रेक्सेट एंड ऑप्शन डी आइसोनियाजिड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मेफ्लोक्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, द सेल इन द ब्लड रेस्पॉन्सिबल फॉर केयरिंग ऑक्सीजन इज। तो ब्लड की कौन सी सेल है जो कि ऑक्सीजन केयरिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल है? ऑप्शन ए WBC, ऑप्शन बी RBC, ऑप्शन सी लिम्फोसाइट एंड ऑप्शन डी प्लेटलेट्स। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी RBC, यानी रेड ब्लड कॉर्पल्स। आइए बात करते हैं RBC मेल फीमेल के अंदर और एवरेज कितनी क्या वैल्यू रहती है RBC, WBC, हीमोग्लोबिन और प्लेटलेट्स की। तो RBC की बात करें तो मेल के अंदर 4.5 से 6.5 मिलियन होती हैं। फीमेल की बात करें तो फीमेल के अंदर 3.8 से 5.8 मिलियन रहती है। यानी एवरेज अगर बात करें RBC की, तो RBC के जो एवरेज वैल्यू है वो है 4.7 to 6.5 मिलियन। वहीं WBC की बात करें तो WBC 4 to 11,000 एंड मेल के अंदर, और फीमेल के अंदर भी 4 to 11,000 होनी चाहिए। एवरेज की बात करें तो एवरेज 4 to 11,000 है। वहीं हीमोग्लोबिन, मेल का हीमोग्लोबिन 13 to 18 होना चाहिए। वहीं फीमेल की बात करें तो फीमेल के लिए 11.5 से 16.5 होना चाहिए हीमोग्लोबिन की जो वैल्यू है, और एवरेज 13 to 18। वहीं बात करें प्लेटलेट्स की, तो प्लेटलेट यहाँ पे 1.5 लाख से 4 लाख के बीच में मेल और फीमेल सबके अंदर, ये इनकी नॉर्मल वैल्यू है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ दी एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग हैज़ ड्राई कफ एज ए साइड इफेक्ट। तो कौन सी एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है जो कि ड्राई कफ साइड इफेक्ट के तौर पर रखती है? ऑप्शन ए गैंग्लियन ब्लॉकर, ऑप्शन बी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, ऑप्शन सी AC इनहिबिटर्स एंड ऑप्शन डी डायूरेटिक्स। तो AC इनहिबिटर्स जो ड्रग है जिनके लास्ट में प्रिल लगता है, वो ड्रग क्या करती हैं? ड्राई कफ साइड इफेक्ट करती हैं।
तो ये ओल्ड एज जो पेशेंट होते हैं उनको अवॉइड की जाती है, क्योंकि ओल्ड एज पेशेंट में वैसे ही ड्राई कप की प्रॉब्लम रहती है। तो ये कौन कौन सी ड्रग है? वो ड्रग है कैप्टोप्रिल, लिसिनोप्रिल, इनालाप्रिल। ये सारी प्रिल जो लास्ट में प्रिल लगते हैं वो सारी क्या है? ईसी इनहिबिटर्स ड्रग है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज सबलिंगुअल। तो इन चारों ऑप्शन में से देख के आपको बताना है कि कौन सी ड्रग है जिसको हम सबलिंगुअल के तौर पर यूज नहीं करते। जो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है सबलिंगुअल, उसके थ्रू हम यूज नहीं करते। ऑप्शन ए आइसोसॉर्बाइड डाइनाइट्रेट, ऑप्शन बी निफेडिपाइन, ऑप्शन सी नाइट्रोग्लिसिन एंड ऑप्शन डी नाइट्रोफुरंटोइन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नाइट्रोफुरंटोइन। इसको हम यूटीआई के अंदर यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग इज नॉट सेफ इन प्रेगनेंसी। तो कौन सी एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है जो कि प्रेगनेंसी के अंदर सेफ नहीं है? ऑप्शन ए एटेनॉल, ऑप्शन बी रेमेप्रिल, ऑप्शन सी मिथाइल डोपा एंड ऑप्शन डी हाइड्रालाजिन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर आप अपना कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स जरूर करें, इससे आपकी तैयारी कैसी क्या चल रही है उसका भी पता रहे और आप अपना खुद का एनालिसिस कर सके। टोटल क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आपके राइट होते हैं उनको कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके जरूर बताएं कि आपका टोटल स्कोर क्या रहा है। इसी तरह की और बहुत सारी वीडियो हमने डिस्कस कर रखी हैं, उनको आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हो। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रेमेप्रिल। तो रेमेप्रिल एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है जो कि एसी इनहिबिटर्स है, लेकिन ये प्रेगनेंसी के अंदर सेफ नहीं है। वहीं बात करें एटेनॉल, मेथाइल डोपा एंड हाइड्रालाजिन, तो ये सारी प्रेगनेंसी की सेफेस्ट ड्रग है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ दीज इज नॉट यूज पेरेंटली। तो इन चार ऑप्शन में से देख के आपको बताना है कि कौन सी ड्रग है जिसको हम पेरेंटली यूज नहीं करते। सेपोटेक्सिम, अमिकासिन, सिफेक्सिम एंड वेंकोमाइसिन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सिफेक्सिम। तो सिफेक्सिम को हम पेरेंटली यूज नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट बाई इनिबिशन ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्राइड्स। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि कौन सी ड्रग है जो कि एक्ट करती है इनहिबिशन ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेट्स पे। ऑप्शन ए मैनिटॉल, ऑप्शन बी फ्यूरोसामाइड, ऑप्शन सी एसिटाजोलामाइड एंड ऑप्शन डी स्पायरोलैक्टोन। तो ये सारी डाइयूरेटिक ड्रग है। तो बात करें यहाँ पे इनहिबिशन ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेट एक्ट करने वाली ड्रग की, तो वो है एसिटाजोलामाइड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एसिटाजोलामाइड। वहीं बात करें मैनिटॉल की, तो मैनिटॉल ऑस्मोटिक डायरोटिक के तौर पर यूज़ की जाती है, फ्यूरोसामाइड लूप डायरोटिक है और स्पायरोलैक्टोन पोटेशियम स्पार्किंग डायरोटिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया अकर्स इन डेफिशिएंसी ऑफ। तो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया किसकी डेफिशिएंसी से अकर्स होती है? ऑप्शन ए विटामिन B12, ऑप्शन बी कॉपर, ऑप्शन सी विटामिन सी एंड ऑप्शन डी विटामिन ए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विटामिन B12, जिसको साइनोकोबालमिन भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, बैलेंस इन द ह्यूमन बॉडी इज मेंटेन्ड बाय। तो ह्यूमन बॉडी का जो बैलेंस है वो किसके द्वारा मेंटेन किया जाता है? सेरिब्रम, ऑप्शन बी हाइपोथैलेमस, ऑप्शन सी फ्लूड इन सेमी सर्कुलर कैनाल्स ऑफ द इंटरनल ईयर एंड ऑप्शन डी हेयर सेल्स ऑफ कोल्चिया ऑफ द इंटरनल ईयर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फ्लूड इन सेमी सर्कुलर कैनाल्स ऑफ द इंटरनल ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, पुअरली मैन्युफैक्चर्ड टैबलेट्स मे बी हैव स्मॉल पिन होल ऑन द सरफेस, दिस फिनोनोमा इज नोन एज। तो अगर कोई टैबलेट की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और उसके अंदर स्मॉल पिन होल रह जाता है उसकी सरफेस पे, तो उसे हम क्या कहेंगे? ऑप्शन ए पिकिंग एंड स्टिकिंग, ऑप्शन बी मोटलिंग, ऑप्शन सी लेमिनेशन एंड ऑप्शन डी क्रैकिंग। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पिकिंग एंड स्टिकिंग। इसी तरीके की और फार्मासिस्ट अपडेट्स के लिए पीके फार्मा क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और अगर आपको वैकेंसी से संबंधित कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो पीके वैकेंसी हब यूट्यूब चैनल है जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर दिया है, वहाँ से आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर ले जिससे आपको टाइम टू टाइम वैकेंसी से संबंधित इन्फॉर्मेशन मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, ए वास्ट प्रोपोर्शन ऑफ आवर बॉडीज वेट इज मेड अप ऑफ। तो जो हमारी बॉडी का मेन पोर्शन है जिससे हमारा वेट मेडअप होता है वो कौन सा पोर्शन है, वो आपको यहाँ पे पूछा गया है। ऑप्शन ए बोन्स, ऑप्शन बी ऑर्गन्स, ऑप्शन सी वाटर एंड ऑप्शन डी स्किन टिश्यू एंड ऑर्गन। तो उसका करेक्ट आंसर क्या होगा?
इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वाटर्स। तो ये थे आज की वीडियो के 15 क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगता है तो दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर करें। इसी तरीके के अपडेट्स के लिए, इसी तरीके के फार्मा एमसीक्यूज के लिए चैनल को, जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो चैनल सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम सा।